ओके ओके आई विल नॉट टच हर हाथ नहीं लगाना कोवल इनके दांत चेक करो अच्छा ये करना था इसने हमारे साथ वो चेक करो इनके साथ क्या कर रहे नहीं छोड़ रहा नहीं छोड़ रहा है आज बाली शहर से। आज बाली का मौसम बहुत जबरदस्त है भाई, कल तो बहुत हैवी किस्म की धूप थी लेकिन आज थोड़े बादल बादल से छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हल्की फुल्की सी हवा चल रही है और हमारी तबीयत पता नहीं क्यों यार इंडोनेशिया अगर खराब खराब सी चल रही है। मतलब पहले दिन मैंने जब लैंड किया तब भी मेरा गला खराब और फीवर हो गया था, फिर उसके बाद कल का दिन बस सही गुजरा है और आज भी हल्का फुल्का सा ना फ्लू मुझे महसूस हो रहा है। इसमें मुझे ये भी लगता है कि हल्के फुल्के से ना वायरसेस चल रहे होते हैं, जिन कंट्रीज में ज्यादा टूरिस्ट आते हैं वहां पर तो ये चीज नॉर्मल होती है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी होम कंट्री से फ्लू वाली वैक्सीनेशन 14 दिन पहले लगवा कर निकला करें, जो कि काम मैंने नहीं किया और मैं पछता रहा हूं क्योंकि फ्लू ने इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। बार बार ये वाला सीन जा रही है और ये मेरा बेटा है जो कि जब भी मैं व्लॉग शुरू करता हूँ मेरे इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है, कभी मेरी राइट साइड पर आ जाती है, कभी मेरी लेफ्ट साइड पर आ जाती है और कभी कैमरे को पकड़ने की कोशिश करती है। इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि आखिरकार मेरे अब्बा जान बात किससे कर रहे हैं, सामने तो सिर्फ फोन पड़े है। इसको नहीं ना पता कि अब्बा जान के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है और इतने ज्यादा चाहने वाले भी है जो कि मेरी बेटी को भी इतनी ज्यादा दुआएं देते हैं, मोहब्बत बरसाते हैं और इसको देखकर माशाल्लाह भी बोलते हैं। तो भाई व्लॉग को फिर आगे कंटिन्यू करने से पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक कर लो ताकि हर आने वाला नया व्लॉग आप लोगों को घंटी बजाकर नोटिफिकेशन देता रहे। और वैसे भी जल्दी जल्दी से 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवाओ क्योंकि 2 मिलियन के बाद होगा एक ह्यूज किस्म का गिव अवे जिसका के पहला विनर जीतेगा एक मोटर बाइक और दूसरा विनर को चांस मिलेगा हमारे साथ पूरा दिन घूमने फिरने शॉपिंग खाना पीना और साथ में व्लॉग बनाने का और मेरे व्लॉग में आने का। बैकपैक भाई ने अपना रेडी कर लिया जिसमें अपनी जरूरत की चीजें साथ में स्नैक्स और साथ में एदल का टॉय और साथ में अपना वॉलेट शॉलेट और दूसरे वाला फोन इसमें मैंने रख दिया। अब इसको कर देते हैं बंद और आज हमारी फैमिली ने ब्लैक ब्लैक पहनकर ट्विनिंग किया है। मैंने भी ब्लैक पहना हुआ है, ये चेक करो ब्लैक ही है भाई। ऊपर वाले को देखकर ही ना कह देना कि ब्लैक के साथ ब्लू भी है और भी बहुत से कलर्स हैं। कमल ने भी ब्लैक पहना हुआ है और एजल ने भी ब्लैक पहना हुआ है। एजल की भी तबीयत थोड़ी बहुत खराब है यार, इसको भी फ्लू हो रहा है बेचारी को। चलो जी अब जुलते हैं बाहर की तरफ। बाइक की चाबी तो अंदर ही रह गई है। खोलो लॉक, ये पड़ी है जी बाइक की चाबी अपनी। चलो अब लॉक लगा दो। एजल का जी शू गिर गया है, अब पता नहीं किधर गिर रहा है, हम ढूंढ रहे हैं। आ रहे नजर, देख रहा हूँ यहाँ कहीं गिरा है। वो ये हाँ एजल बेटा अपनी शू नीचे गिराना, समझ आई? जी 1.5 घंटे की मुसाफिर तय कर, 100 घंटे की। इधर बैठ गई है, इधर को उठाओ, नीचे जमीन गंदी है। हाँ मैं बता रहा था कि 1.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद पहुँच गए हैं मंकी फॉरेस्ट और इसीलिए ना मैं बाल नहीं सुबह बना कर आया क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब हेलमेट पहनूंगा ना तब मेरे बालों का सत्यानाश हो जाएगा, तो बेहतर है ना ही बनाओ। पर आज हमने पता क्या गलती की है? क्या? आज स्ट्रॉलर की जरूरत है क्योंकि फॉरेस्ट है, यहाँ पे चलना है। मैं तो इसलिए नहीं लेकर आया, कल हम लोग स्ट्रॉलर लेकर गए थे लेकिन वहाँ पर कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ था क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, तो इसलिए आज स्ट्रॉलर नहीं लेकर आया। लेकिन अभी तक पार्किंग को देखकर लग रहा है कि भाई स्ट्रॉलर की जरूरत हमें शायद यहाँ पड़नी थी। यार कोई नहीं, अब तो लेकर नहीं आए, अब एजल को वैसे ही गोद में उठाकर घूम फिर लेंगे। भाई मंकी फॉरेस्ट के रिलेटेड हम लोगों ने कल इंटरनेट पे सर्च किया था, उसके बाद ये बाली की बड़ी जबरदस्त लोकेशन लगी थी। अब खैर अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। भाई को तो वैसे बंदरों से काफी डर लगता है लेकिन शायद अंदर ऐसा माहौल ना हो कि जिससे डरने की जरूरत पड़े। यहाँ के लिए टिकट्स वगैरह हम लोगों ने खरीद ली हैं और एक टिकट यहाँ के 80,000 रुपए की मिली है, मतलब जो पाकिस्तानी रुपीस में शायद 1480 रुपए बनते हैं। वन मोर टाइम,
Thank you. ये रोशनी से अंधेरे की तरफ पता नहीं क्यों रास्ता हमें लेकर जा रहा है। अच्छा कुछ भी नहीं, वैसे ही गुफा बनी हुई है ये, गुफा से आप गुजर कर बाहर निकल जाते हो। एकदम से पास आने लगा था, इसको पता नहीं क्या सूझी है, एकदम से मेरे पीछे भागना इसे शुरू कर दिया था। मैं हेजल को लेकर जल्दी जल्दी भागा फिर। ओके ओके आओ ना, कह रहा है हाथ नहीं लगाना। कमल इनके दांत चेक करो, बड़े खतरनाक है वैसे ही, है ना। मैंने तो सोचा था इनके साथ बैठ के पिक्चर लूंगी, लेकिन दांत दिखा के ना मुझे डरा दिया। चुड़ैल जैसे दांत। वाकई जो तुम बैठो, मैं तुम्हारी। नहीं मैं नहीं बैठ रहा भाई, मुझे नहीं शौक इतने खतरनाक बंदरों के साथ बैठकर पिक्चर खिंचवाने का। आ जाओ कवल, नहीं छेड़ना, ज्यादा देर रुकना भी नहीं है। उन लोगों ने देखो लिख कर लगाया हुआ कि ज्यादा आई कॉन्टेक्ट नहीं इन लोगों के साथ करना, ज्यादा रुकना नहीं है, ज्यादा बॉडी टच शच वाला सीन नहीं करना, फिर ये अग्रेसिव हो सकते हैं। अगर तो आप हो नहीं सकते हैं, नहीं मतलब है भी, लेकिन तब आप पर अटैक कर सकते हैं। अभी वो अटैक ही, वो कितने प्यार से उसको ऐसे हाथ लगा रही थी। मैंने साथ ही आपको बुलाया कि मेरी पिक्चर लो, वो एकदम से उसके ऊपर चढ़ा। उसकी अम्मा थी, उसका अब्बा था, जो भी था। ओए कितना प्यारा है यार ये भी, है ना, बहुत प्यारा। क्या बात है यार, ये चेक करो पत्थरों के ऊपर भी गिरिंद रही है ना। अच्छा ये करना था इसने हमारे साथ, वो चेक करो उनके साथ क्या कर रहे हो। नहीं छोड़ रहा। अरे भाई इनको कोई बचाओ, वो जान ही नहीं छोड़ रहा। तुम पीछे रहो, अटैक कर देगा नहीं तो। वो आ गए। ये असल में ना यहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं, जो कि अगर किसी पर अटैक हो जाए ना तो उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। बच्चा बड़ी मस्तियाँ कर रहा है इसके साथ, इसने छलांग लगा दी ना तो भाई तेरा बचेगा कुछ नहीं। ऊपर भी कितने ज्यादा बैठे हुए हैं, ये चेक करो कितने ज्यादा ऊपर बंदर बैठे हुए हैं, और इनका भी कोई इतबार नहीं है। ये यहाँ से ना ऐसे आकर आपके सर पर चपेट मारकर जा सकते हैं। यार ये अटैक वाला सीन ना नॉर्मल है, अटैक मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ये अटैक करते हैं। बस ये होता है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए ना तो किसी को चक्की शक्की मार देते हैं। जो मैं रात में सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था ना, उसमें भी उस बंदे पर इन मंकीज में से एक मंकी अटैक करता है, तो उसके बाद वो बेचारा फिर डॉक्टर के पास जाता है। हर जगह से आपको बंदर निकलता और चढ़ता नजर आएगा, और हमारी उम्मीदों से ना भरकर ये जंगल इतना बड़ा और गहरा भी इतना ज्यादा है ना कि वो एंड तक, और इन्होंने काफी रास्ते भी बंद भी किए हुए हैं। एजल को लग गई थी भूख, एजल का चल रहा है मिल्क टाइम, और हम दोनों चढ़े हैं ऊपर ब्रिज पे। चढ़ते जाओ और यहाँ पे ये थोड़े से बुड्ढे बुजुर्ग, मुझे लगता है बंदर है, और वो बच्चे भी हैं इनके साथ, लोग इनके साथ पिक्चर ले रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता जब इन्होंने तुम लोगों पे हमला किया है ना, तो तुम लोगों को पता चलेगा, रोते हुए घर जाओगे वापस अपने मुल्क। यहाँ पर तो जी जुए निकल जुए निकाल रहा है। अब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ये मेल है जिसकी जुए निकल रही है, और जो जुए निकाल रही है वो फीमेल है। वो मुँह से भी निकाल रही है भाई। यहाँ पर माहौल वो चल रहा है कि बंदर जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ आवाम चली जाती है। पहले बंदर इस साइड पर थे तो आवाम यहाँ पर थी, अब बंदर उस साइड पर जा रहे हैं तो आवाम भी उनके पीछे पीछे ही जाती जा रही है। खैर अभी बंदर अपने अपने घरों को चले गए हैं, तो हमें भी अपने घर को निकलना चाहिए। अपने घर नहीं ना, हम अभी कुछ खाएंगे, दोपहर को कुछ खाना खाएंगे, और देन हम नाइट मार्केट जाएंगे आज नाइट। ओके ना,
जुल्का क्या हो गया है? पानी गिरा होगा। मुझे ऐसी शक पड़ रहा है जैसे बंदर ना मेरे ऊपर छलांग लगा दे। अल्लाह की कसम मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगता है कोई 2-3-4 हज़ार तो बंदर यहाँ। हाँ। और ये ना पता है क्यों कि ये सारा जंगल ना घना है ना, मतलब बहुत ज्यादा गुच्छम गुच्छे बने हुए हैं, तो इसलिए बंदर इतने ज्यादा वजाहत से नजर नहीं आते, नजर भी नहीं आते। और अभी आपने वो वीडियो एक डाली है ना, इसमें जैसे लाइन सर सबसे बड़ा बंदर आगे है और सबसे छोटे, नहीं नहीं सबसे छोटे वाला आगे और सबसे बड़ा पीछे आ रहा है, मतलब झुंड बनाकर जा रहे हैं ना, झुंड बनाकर जा रहे हैं। चलो अब हम कुछ अच्छी सी खाने की जगह ढूंढते हैं और देन आज हम जाएंगे नाइट मार्केट। यार ये शोहर भी ना कसम से बीवियों की तो सुनते नहीं सुनते नहीं। जुल्कर को पता नहीं उस साइड पे कौन सी केव नजर आ गई है और जुल्कर वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने चले गए। क्या हो गया तुम्हें? वो देखो पागल आदमी बंदर मेरे पीछे लग गई थी। इधर इधर आओ दिखाओ। मर गए भाई यार, कैसे कैसे क्या हो? क्लोज लिखा हुआ है। अंधे हो तुम, बच गए हो तुम, उन्होंने खास तौर पर लिखा हुआ है कि इनकी ना आंखों में भी नहीं देखना, अगर आप आंखों में देखोगे ना तो ये अटैक करेंगे आपकी तरफ। आंखों में देखने के अलावा इनके वाले एरिया में जाओगे भी तो शायद ये हमला करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इनके वाला एरिया है। मैं बस तुम्हें सब पता था इस तरह की केव देखने के लिए गया, लेकिन वो तो भाई उधर अपनी पूरी फैमिली को लेकर बैठे हुए। अब छोड़ो इसको, पकड़ो प्लीज पकड़ो, मैं थक गई हूँ। और अभी निकलते हैं जल्दी जल्दी, अंधेरा होने से पहले पहले ना यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। भाई बच्चों के साथ ना घूमना मुश्किल भी है और आसान भी। आसान इस तरह से है कि अगर कोई बंदा आपका साथ दे बच्चे को पकड़ने में, जैसे कि जुल्कर साथ दे रहे हैं। और मुश्किल इस तरह से है कि सारा बर्डन ही माँ पर डाल दो कि माँ सारा उसका सामान भी पकड़े, बच्चे को भी पकड़े, उसकी केयर भी करे, तो मिलजुल के सारे काम करने चाहिए। और अभी सांस चढ़ गए हैं फुल, अभी हम वापस की तरफ चल रहे हैं क्योंकि ना 5 बजे बंद हो जाता है। चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, अगर तो स्टॉलर हो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पकड़ कर आप कभी ऊपर चढ़ते हो कभी नीचे उतरते हो और आप चलते ही जाते हो, मतलब इस फॉरेस्ट में तो ज्यादा चलना ही पड़ता है ना, तो बंदा थक जाता है। अभी जी हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट में और यहाँ पर ऑर्डर करने लगे हैं हलाल चिकन, साथ में कुछ सब्जियों वाला सालन और साथ में गर्मा गर्म बटर नान। बेटा जी आपका जूस नहीं है, ये आपकी मम्मा का है, उसे पीने दो। इस बंदी ने अपना कुछ भी नहीं खाना, ना योगर्ट खानी है ना खिचड़ी खानी है, सिर्फ दूध पे ही जिंदा है ठीक है। और लेकिन अब मैं जहर भी खाऊंगी ना, मतलब मैं काली कॉफी भी पीती ना, ब्लैक कॉफी जब वो भी पीती है, ये वो भी मांगती है कि मुझे भी दो। असल में ना इसका दिल होता है कि जो जो चीजें मेरे अम्मा पापा खा पी रहे हैं ना, मैं वही सेम चीजें खाऊं पी। वो किसके साथ बिजी हो गई है? ओके ओके, इनके साथ मुझे लगा पता नहीं किसके साथ लग गई है एकदम से अपने जूस की तरफ फोकस छोड़कर। ओए भाई, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का अपने खाने के लिए प्लेटर अभी सामने आ चुका है। अब इसको ज्यादा इंतजार करवाए बिना खाना शुरू कर। खाना शाना खाने के बाद हम लोग यहाँ की करीबी नाइट मार्केट में आ चुके हैं, जहाँ पर भाई फूड के बड़े हैवी किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने आज तक खाई नहीं है कभी, और आवाम यहाँ पर लाइनों में लग लग कर चीजें खरीद रही है। खाने पीने की चीजों के अलावा यहाँ पर कपड़ों और बैग्स और ये शू वगैरह वाली भी दुकानें हैं। जहाँ पर इस तरह की दुकानें हो वहाँ मैं नहीं जाता अक्सर, क्योंकि मेरी बूढ़ी दुकानों पर रुक जाती है और फिर मेरा खर्चा करवाती है। मैं तो रुक गया हूँ यहाँ पर चप्पलों वाली दुकान पर, यहाँ से मुझे ये चप्पल पसंद आई है। ये कितने की है भाई? हाउ मच? 50 $50 की। ब्रदर एनी डिस्काउंट? यस। हाउ मच? 40। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये क्या कर रही है? यार चेक करो इनके सारे शू इसने नीचे फेंक दिए। मैंने माफी मांग ली है भाई से, चलो माफी मांग ली है। वो कह रहे माफी नहीं मांगो, उठाकर भी दो बेचारों को। तुम्हारे में नहीं है, मैं खुद ही उठाकर दे देता हूँ। इसको आप पीछे ले जाओ क्योंकि मैं उठाकर ऊपर रख रहा हूँ और ये दोबारा फिर से गिराती जा रही है। नो आई एम सॉरी। असल में गलतियाँ बच्चे करते हैं और समेटते अम्मा अब्बा। यार ये वाली मार्केट बहुत 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 सस्ती है, यकीन मानो। चप्पल भाई ने खरीद ली है 750 रुपये की, वो भी इतनी ज़बरदस्त, और दूसरी चीजें भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ रेट शेट टूट कर, ये भी सस्ती हैं, महंगी कोई नहीं है चीज़ें। चौधरी साहब बिठाओ इसको इसमें।
बिठाएं 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 जल्दी से, बैठना बैठना, देखना बस चक्कर ना आ जाए इसे। बाय बाय। मेरे ख्याल से इतनी शॉपिंग काफी है क्योंकि अपने पास बाइक है, कोई ट्रक नहीं है। अब निकलते हैं वापसी की तरफ। शॉर्ट्स ले लो तुम। नहीं जी, मैंने नहीं ये लेने क्योंकि ये शक्ल से लंडे वाले लग रहे हैं। हेजल का दोबारा से शू गिर गया और ये पकड़ा गया। ये लो। Okay, let's go. वापस आ गए हैं यार, और कबर टूट गई है, यकीन मानो बाइक चला चला कर। क्योंकि ना यहाँ का सबसे बड़ा जो मुझे पंगा लगा है ना बाली का, वो ये है कि 20 किलोमीटर का सफर आप तय करते हो एक घंटे में या फिर एक घंटे 10 मिनट में, वो भी बाइक पर। अगर आप गाड़ी पर होते हो तो वो सफर डेढ़ घंटे का हो जाता है, क्योंकि एक तो बड़ा मसला है ट्रैफिक का, और दूसरा बड़ा मसला है कि रोड्स बहुत छोटे हैं यहाँ के। सिंगल रोड होता है और दो तरफा ट्रैफिक होती है, मतलब कि आप 30 या फिर 40 से ज्यादा स्पीड में अपनी बाइक या फिर गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए टाइम लगता है। और जितनी भी एक्टिविटीज है ना, वो बदनसीबी से हमारे विला से दूर दूर ही है। कल भी हम लोग तकरीबन कोई सवा घंटे का सफर तय करने के बाद बाइक पर पहुंचे थे अपनी एक्टिविटीज के लिए, और आज भी सेम एक घंटे 10 मिनट का सफर जाते हुए तय किया, एक घंटे 10 मिनट का सफर आते हुए तय किया, फिर अपनी एक्टिविटीज कर पाए हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हमने इस विला की एक एक चीज को तोड़ फोड़ कर इधर उधर फेंक देना है, ठीक है ना जी? ठीक है जी, ठीक है। आइसक्रीम पकड़ाना। आइसक्रीम? Yes. ठीक है, पकड़ा देते हैं। वैसे भूख मुझे भी अब लगना शुरू हो गई है, हल्की फुल्की सी, लेकिन फिर भी आधे घंटे तक कुछ खाएं पिएंगे। ये लो जी आइसक्रीम आपकी। उंगली से खाओ। उंगली से खा लो यार। चम्मच भी चाहिए। ये लो जी सोने का चम्मच। All my lessons, parece saber cuando volver a mí. Of all my blessings, eres la fruta.